खरगोश क्या चूहा? कमेंट में बताना। दिखाओ खाना। ये दो दांत वाला गजब बेइज्जती है। चूजा लिया वो क्या होता है खरगोश के दो दांत वाला। ये आपको चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट करना। तो आज नहीं बहुत दिन गुजर गए रमजान को। हमें रमजान का डालना ब्लॉग भूल गए तो उसके लिए सॉरी आप लोगों। और एक तो हमने बहुत लेट ब्लॉग डाला है, पता नहीं कितने महीने गुजर गए। ये हमारा एक रमजान का ब्लॉग हम बना रहे हैं अभी, मतलब सुबह सूरज निकलने को आया, फजर की अजान हुई अभी। तो अभी मेरा आज रोज़ा नहीं क्योंकि मैं अब बीमार हो गया, मेरा नज़ला खांसी ये सब हो रहा है। अब ये ब्लॉग है ना, इसके बाद वो ईद का सिर्फ ब्लॉग आएगा और फिर बाकी के ब्लॉग। अगर तुम नहीं कहना चाहो कुछ, हाँ वरना तो चपड़े चपड़े जल्दी। तो भाई हमने ईद की भी शॉपिंग कर ली, हर किसी ने कर ली होगी, आप लोगों ने भी कर ली होगी उम्मीद होगी। और फिर हम ईद में मिलेंगे। और बहुत सॉरी आप लोगों को, हमने बहुत लेट ब्लॉग डाले तो आप हमें सपोर्ट करें। भाई की कटवाली ये देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो बहुत डर, मेरे सर में ना हवा नहीं लग रही थी तो मुझे जल्दी बहुत गुस्सा आ जाता था, इसलिए मेरा अरे बस कर भाई रहता, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा, मुझे गुस्सा आ जाता था बहुत। और हमने है ना पूरे रमजान इतना मजा आया, नाइट मैच हमने खेले, क्रिकेट इतना मजा आया, फुटबॉल क्रिकेट मैंने मुझे चोटें भी ये देखे, चोट भी मुझे लगी और एक इधर भी लगी, मैं गिर गया था रोड पर तो लगी इधर तीसरी दफा लगी, इधर पहली दफा लगी, बहुत दर्द हो रहा था। अब्बू ने पट्टी पट्टी कर दी इसको। और एक दफा भी क्या था परसों वो ना जाते हैं पार्लर वाली आंटी है, उनकी गेट में ना गलती से पिछले मार दिया, वो चला रही हमारे ऊपर, हम पर चला रही, फिर हम खेलने पर पीछे हमारी पार्किंग है ना उधर हम जाके आप खेल रहे। तो मैं दो दिन से आज नहीं जा पाया नीचे खेलने क्योंकि अम्मी अब गए हुए थे ईद की शॉपिंग करने। और अभी हम जाएंगे, आज उल्टा मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैंने कल भी रोज़ा नहीं रखा क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था तो पानी मैंने टोटल 15 रोज़े, ये मेरे 15 रोज़े, मैंने बस दो रोज़े छोड़ दिए और मेरे सारे मैंने 15 ये वाला रोज़ा रखा मेरे। और है ना फिर आप लोगों को हम ईद में ही मिलेंगे तैयार शैयार होके, फिर उसी का ब्लॉग डालेंगे और देखेंगे कितनी हमारे पास ईदी जमा होती, 3 दिन का डायरेक्ट ब्लॉग हम डालेंगे ईद का, ठीक है। और फिर हम लोग जाएंगे, आप लोगों को हम है ना जैसी नमाज ईद की पढ़ेंगे हम नीचे भी खेलेंगे क्योंकि ना सन्नाटा होता है ईद में, सब लोग भाग जाते हैं, किसी को ईद ही नहीं देनी होती इसलिए सब लोग भाग जाते घर में, तो पूरा सन्नाटा होगा और दुकानें भी नहीं खुलती तो इसलिए हम खेलते हैं। और है ना हमने तरावियाँ भी पढ़ी है, पता नहीं कितनी 15 दिन की थी तरावियाँ टोटल। हमारी बिल्डिंग के नीचे ही इंतजाम मेरे अब्बू ने किए हुए थे। और है ना उधर अजाने भी होती है, नमाजें भी हर कोई पढ़ता है, हमने हमें 6 बॉलों पर 24 रन बनाने थे, हम हार गए। और एक उस बच्चे ने बैटिंग भी नहीं मिली, मैंने ना 4-5 दिन से बैटिंग नहीं की है। तो अभी हमने सहरी तो कर ली है, अम्मी अब्बू ने सबने कर ली है, बनाने भी आज का भी रोजा है, बनान का भी रोजा है, आलू का भी रोजा है, सबका रोजा है, बस मेरा ही नहीं, मेरा जुकाम बहुत गंदा हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अल्लाह करे ईद से पहले हो जाए तो काम खत्म, आप लोग दुआएं करना मेरे लिए अच्छी अच्छी। और ईद ही हमें जितनी हमारी जमा होगी ना हम देखें दिखाएंगे आप लोगों को ईद में। हमने ईद की शॉपिंग कर ली, तुम तो कुछ बोल लो वरना कुछ, हाँ इसे छोड़ो दो दांत वाला चूहा, बेशक आप लोग भी कमेंट में लिख देना दो दांत वाला चूहा। ये देखो दो दिन दिखाना और अपना पेट दिखाओ, ये देखे और आप पेट इसके दो दांत देखे, अपना पेट दिखाओ, ये देखे दो दांत, ये देखो बंद कर दो। क्या लग रहा है खरगोश क्या चूहा? कमेंट में बताना। दिखाओ खाना। ये दो दांत वाला बकरा चूजा लिया वो क्या होता है खरगोश के दो दांत वाला। ये आपको चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट करना, मतलब हमसे बात करना, आपको खाना नहीं, 10 लाख
दादा ने 10 लाख रुपए का दे भेज देंगे, बहुत रेयर बच्चा ही है, पर बहुत लाखों में से एक आता है ये बच्चा। इसे कुछ सारे मेरा हाथ में उठ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही ब्लॉग काफ़ी है, उम्मीद होगी आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।